नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ हैवान एक लड़की के साथ दरिंदगी करते हुए दिख रहे थे। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में दिख रही पीड़ित लड़की नॉर्थ ईस्ट की बताई, जिसके बाद असम पुलिस ने इनकी पहचान करने की कोशिश की। लेकिन ये घटना ना तो जोधपुर की है, ना राजस्थान की, और ना ही लड़की नॉर्थ ईस्ट की, जैसा कि कुछ न्यूज चैनल्स ने बिना किसी वेरिफिकेशन के चलाया था। वो दरिंदे तो पकड़े गए और इस पूरी घटना पर आज बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी से मेरी गुजारिश है, सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिसके भी फोन में वो वीडियो है, वो क्लिप, वो अभी के अभी उस वीडियो को डिलीट कर दें। और पहले ही क्लियर कर दूं कि ऐसे मामलों पर मेरा, मेरे चैनल का, मेरे प्रधान संपादक का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे दरिंदों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के लिए होते हैं, ये हैवानों के लिए नहीं होते। बाकी इन तस्वीरों को देखकर अगर किसी हिंदुस्तानी का खून नहीं खौलता, अगर किसी हिंदुस्तानी को गुस्सा नहीं आता, और अगर किसी हिंदुस्तानी का गुस्सा अपने चरम पर नहीं पहुंचता, तो यकीन मानिए आप एक जिंदा लाश बन चुके। आपके अंदर की इंसानियत किसी रोज दम तोड़ चुकी। बात बाकी, जब यह घटना कल से सुर्खियों में है तो हमने इतना समय क्यों लिया? वजह है क्रेडिबिलिटी की। जल्दबाजी में ऐसी संगीन घटनाओं को बिना किसी पूरे सच के कभी नहीं दिखाया जाना चाहिए, जैसा कि कई चैनल्स ने किया। और इस घटना में पीड़ित को नॉर्थ ईस्ट का बताया, घटना जोधपुर की बता दी गई, जो कि फेक न्यूज थी। गिरफ्तार हुए दरिंदों में से एक युवती को बांग्लादेश से इस झांसे के साथ बैंगलोर लेके आया गया था कि उसे सऊदी अरब भेजा जाएगा और अच्छी नौकरी दिलवाई जाएगी। पूरी घटना बेंगलोर की है, जहां बीते हफ्ते 5 लोगों ने एक लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस पूरी घटना में लड़की के साथ दरिंदगी में एक लड़की भी शामिल थी, और इन दरिंदों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और ये वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दिया। इन 5 दरिंदों को बेंगलोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंसानों वाले नाम लिए हैं इन हैवानों के, मोहम्मद बाबू साहिक, साकिल, रफीदुल इस्लाम उर्फ हृदय बाबू और सागर। लड़की का नाम पुलिस ने रिवील नहीं किया है, किया जाना चाहिए। ये 5 हैवान हैं, कोई इंसान नहीं जो लड़का लड़की का फर्क किया जाए। इन 5 को बेंगलोर के राममूर्ति नगर से गिरफ्तार किया गया है, वहीं की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि मामला मानव तस्करी का है। 5 कल्प्रिट्स ने पीड़ित लड़की को बांग्लादेश से बुलाया। पहले तो लड़की वहां से किसी तरह भागकर केरला पहुंच गई, जिसके बाद 5 ने उसे पकड़कर वापस बेंगलोर लेकर आया और उसके साथ दरिंदगी की। इन लोगों को इंसानों के बीच रखना बहुत खतरनाक है, इसलिए इनकी सजा सिर्फ फांसी हो सकती है। ये पूरी घटना उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं CANRC की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत? जरूरत ये है, जरूरत है ऐसी घटनाओं को रोकने की, जरूरत है अपराध को रोकने की। हम अपने घरों में बाहरी हैवानों को घुसने नहीं दे सकते। CANRC का विरोध सिर्फ पॉलिटिकली ड्रिवन है, वरना जो ममता दीदी आज CANRC के खिलाफ हैं, वही ममता दीदी 2005 में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा से इस्तीफा दे चुकी है। नेताओं को सिर्फ वोट बैंक से मतलब, लेकिन CANRC क्यों जरूरी है, इस घटना से साफ होता है। और इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब मुख्यमंत्री अपने लिए 10-50 गाड़ियों का काफिला लेकर साथ घूमते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, अपनी सुरक्षा के लिए, तब उन्हीं के राज्य में इस तरह से लोग असुरक्षित। CANRC का मुस्लिम कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस कम्युनिटी को इंसाइट करने से अपने फायदों के लिए इंसाइट कर रहे हैं, और उसका खामियाजा हम सबको उठाना पड़ता है। इन सब से आगे एक और बड़ा मुद्दा है जिस और सभी का ध्यान जाना चाहिए, वो है मानव तस्करी का। जिस्म फरोशी के लिए कई लड़कियों की तस्करी की जाती है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली मानव तस्करी सभ्य समाज के माथे पर बदनुमा दाग है। और भारत में मानव तस्करी को लेकर पिछले दिनों अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट, ट्रैफिकिंग इन पर्संस रिपोर्ट 2020 में भारत को Tier 2 श्रेणी में रखा गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सरकार ने 2019 में मानव तस्करी जैसी बुराई को मिटाने के लिए कोशिश तो की, लेकिन इसे रोकने से जुड़े न्यूनतम मानक हासिल नहीं किए जा सके। रिपोर्ट के तहत भारत आज भी वर्ल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मानचित्र पर एक अहम ठिकाना बना हुआ है। बहरहाल, भारत में मानव तस्करी की समस्या नासूर का रूप लेती जा रही है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जिसको कहते हैं, उसके अनुसार विगत एक दशक में भारत में हुई मानव तस्करी में 76%, याद रखिएगा 76% लड़कियां और महिलाएं हैं। मानव तस्करी का धंधा कम समय में भारी मुनाफा कमा लेने का जरिया है। इसी लालच के चलते यह समाज के लिए गंभीर समस्या बन रहा है। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के बाद मानव तस्करी को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध माना गया है। एशिया में तो भारत ऐसे अपराधों का गढ़ माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर, बल प्रयोग कर या दोषपूर्ण तरीके से भर्ती, परिवहन अथवा शरण में रखने की गतिविधि तस्करी की श्रेणी में आती है। देह व्यापार से लेकर बंधुआ मजदूरी, जबरन विवाह, घरेलू चाकरी, अंग व्यापार तक के लिए दुनिया भर में महिलाओं, बच्चों व पुरुषों को खरीदा व बेचा जाता है। और आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 80% मानव तस्करी जिस्म फरोशी के लिए होती है, जबकि 20% बंधुआ मजदूरी या अन्य चीजों के लिए। इनके साथ जिस तरह का अत्याचार किया जाता है वो समाज के लिए घिनौना सच है। एंड दिस हैज टू एंड। देश में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाना ये सब गंगा जमुनी तहजीब का पार्ट नहीं है। इनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं। जो परसों पहले ये सब बनवा चुके हैं उनके तो बकायदा पासपोर्ट तक बन चुके हैं। इसके साथ ही जो घटना हुई है वो लड़की चाहे बांग्लादेश की हो या दुनिया के किसी कॉर्नर की, दुनिया के किसी कोने की, उसके साथ जो अपराध हुआ है उसके लिए हम सभी को उससे माफी मांगनी चाहिए। बल्कि महिलाओं के साथ सो कॉल्ड सभ्य समाज में होते अपराधों के लिए हम सभी को माफी मांगनी चाहिए। अंत में कविता के साथ खत्म कर रहा हूं, कुछ हकीकतों के साथ छोड़कर आपको जाता हूं। किस तरह जहां में सताई गई लड़की, हद है कि बेनिवास घुमाई गई, अफसोस उसकी कोख में ही कब्र बन गई, बिन लकड़ियों के हाय जलाई गई, अपनी हवस के वास्ते दुनिया में किस कदर दामिनी व निर्भया सी रुलाई गई, जब चाहा इन्हें छोड़ दिया, पा लिया हर दम, बस 3 तलाकों में भुलाई गई। दुनिया में चंद सिक्कों के खातिर ही बेझिझक व्यापार बाजारों में बनाई गई, हालात ने कुछ ऐसा ही मजबूर कर दिया, कोटे पे और सड़क पे नचाई गई। जिस तरह मेले लगते हैं कुछ रोज के लिए, उस तरह ही मांग है सजाई गई। लड़कों के सामने हुई कमतरियों, बदनसीब हर एक कदम पे नीचा दिखाई गई लड़की, इस तरह इस जहां में सताई गई। कल एक बार फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।